फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हियर इज माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग में अपने बताया था कि मैंने कोविड टेस्ट करवाया है, तो मैं अभी मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी हूं, बट मैं तब तक किसी भी लैब में नहीं जा सकती हूं जब तक मेरे पास कोविड की रिपोर्ट ना हो। जिन्होंने भी मेरे साथ टेस्ट कराया था उन सबकी तो आ गई है, फ़ोन पर मैसेज ही आ गया है मतलब कि नेगेटिव है, बट मेरी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, ना ही मेरे को पता है कि क्या मेरा उसका रिजल्ट है कि मैं मतलब नेगेटिव है या इनकन्वीनियंस है या फिर पॉजिटिव, कोई आइडिया नहीं है। तो मेरे को पहले ही रिपोर्ट लाने जाना है, तो अभी चलो फिलहाल चलते हैं कोविड की रिपोर्ट लाने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का गेट और यहीं है ये पूरा कॉलेज। आप देख सकते हो यहाँ से भी पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, बट जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना मैंने दिखाने की कोशिश करी। और ये साथ में ऊपर वाली साइड डेंटल कॉलेज है HP का। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड फ्लोर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। बट फिलहाल हमें डिपार्टमेंट पे कैसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जाना है फिलहाल कोविड की रिपोर्ट लाने हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जाऊंगी यहाँ पे लिफ्ट से जाऊंगी, लिफ्ट के थ्रू। थोड़ा पैदल भी चलना है, तो लिफ्ट है तो लिफ्ट के थ्रू चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लिफ्ट एंटर कर चुकी हूँ, तो मेरे को जाना है अभी थर्ड फ्लोर पे। तो मैंने थर्ड टिकट दिया, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे मेडिकल कॉलेज से, फिर हम जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो चलो चलते हैं अब रिपोर्ट लाने। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है कि रिपोर्ट कैसी होगी, बट चलो देखते हैं। तब लिफ्ट पहुँच गया, फिर मैं पहुँच चुकी हूँ हमारी थर्ड फ्लोर पर। फ्रेंड्स, ये इस तरफ तो ऑडिटोरियम और हमारे कॉलेज की कैंटीन भी है, तो हमने जाना है बाहर में हॉस्पिटल। तो हम निकल चुके हैं मेडिकल कॉलेज से बाहर, अब जाएंगे हम यहाँ से हॉस्पिटल। ये मेडिकल कॉलेज का जॉइनिंग है यहाँ से रास्ता हॉस्पिटल तक, तो यहीं से जाऊँगी मैं अभी हॉस्पिटल। तो ये रास्ता है, अभी तक आप देख सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगी वहीं पर जहाँ पर कल मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी पिछली वीडियो पर, क्योंकि मुझे वहीं से पता लगेगा रिपोर्ट का। तो चलते हैं, होप फॉर नेगेटिव रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल के URI कॉर्नर पे। तो अब मैं लूँगी यहाँ से रिपोर्ट, मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिजल्ट होता है। फाइनली, जो कब से मेरे मन में रिपोर्ट के रिगार्डिंग सस्पेंस था, अब वो क्लियर हो चुका है। Guess what? I finally tested COVID negative. अब मैं लैब्स जा सकती हूँ अपने जो भी, तो अब देख सकते हो रिपोर्ट, आई टेस्टेड नेगेटिव। ये मेरे को सच्ची में बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबको मैसेज आ चुका था कि दे टेस्टेड नेगेटिव, बट मेरे को कोई मैसेज नहीं था। और मेरे मन में इतना सस्पेंस था कि आप सोच नहीं सकते हो। अब थोड़ी चैन की सांस लेती हूँ, सांस में सांस आई, नहीं जान में जान आई, पता नहीं क्या बोलना चाहिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो अब मेरी पोस्टिंग है पैथोलॉजी लेबॉरेटरी में, तो पैथोलॉजी में भी तीन डिपार्टमेंट्स हैं, तो मेरी है हिमैट लैब में, हिमैटोलॉजी लेबॉरेटरी। तो मेरे को जाना है वहाँ पे, क्योंकि नहीं तो मेरे को गालियाँ पड़ेगी कहाँ थी कब से। तो चलो चलते हैं अपने हिमैट लैब यानी कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, लेट्स गो। फ्रेंड्स, और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये है हमारी यहाँ हिमैटोलॉजी लैब। लैब नहीं है मतलब, बाहर से अभी दरवाजे ही देख सकते हो, बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे साथ में हिस्टो लैब के जो है सैंपल रिसीव होते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं हिमैट लैब के सैंपल्स रिसीव, जो भी सैंपल्स होते हैं, ब्लड सैंपल्स, बोन मैरो एस्पिरेशन या फिर बोन मैरो बायोप्सी, तो यहाँ पे रिसीव करते हैं। तो चलो करते हैं अब एंट्री लैब में। तो ये आप देख सकते हो, ये प्यारी प्यारी कन्याएं हैं, ये मेरी जूनियर्स हैं, और ये हमारे सर हैं सीनियर लैब टेक्नीशियन अभिनंदन सर। तो आप देख सकते हो ये है हमारी हिमैट लैब की ओरिएंटेशन। यहाँ पे वेरियस रिएजेंट्स बोतल रखी हैं, और यहाँ पे हैं ये स्टेनिंग रॉड्स हैं, यहाँ पे हम स्टेनिंग करते हैं, और इस जगह पर हम स्मीयर्स बनाते हैं, और यहाँ पे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स रखी हैं जो भी यूज़ होती हैं हिमैट लैब में। और ये है हमारा एनालाइज़र, ये 3 chambered एनालाइज़र हैं, वैसे तो 5 chambered भी यूज़ होते हैं, बट हमारे लैब में जो है वो 3 chambered एनालाइज़र ही है। तो फ्रेंड्स, अभी इधर एक पेशेंट आया है अपना सैंपल देने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम सैंपल रिसीव करते हैं। तो जब भी कोई सैंपल आता है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्म पे आइडेंटिटी चेक करते हैं पेशेंट की, और जो वायल है वैक्यूटेनर है उस पर चेक करते हैं कि सेम ID है पेशेंट की या नहीं। उसके बाद जब पूरी तरह से रिसीव कर लेते हैं सैंपल, तो एंड में हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि रिपोर्ट कब लेनी है और कैसे मिलेगी। तो अब मैंने सैंपल ले लिया है, तो अब मैं इसको लैब में ले जाऊँगी बाकी की आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो है वायल पे और जो फॉर्म है पेशेंट का उस पर जो है लैब की नंबरिंग करेंगे, और उसके बाद जब हम लैब नंबर डाल लेंगे, तो फिर
जो रिक्विजिशन फॉर्म है पेशेंट का, उसकी एंट्री हम जो है अपने डेली रजिस्टर पे एंटर करेंगे। उसमें सारा बायोडाटा लिखते हैं पेशेंट का, जैसे कि नेम, एज, सेक्स और सबसे ज़रूरी जो होता है CR नंबर, जो भी हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करा होता है CR नंबर, वो लिखना होता है। और अगर कहीं पेशेंट एडमिट है तो वो भी हमने लिखना होता है कि वो कौन से वार्ड में एडमिट है, और फ़ोन नंबर भी पेशेंट का लिखना होता है। ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं ग्लास स्लाइड जिनको मैं पहले क्लीन और ग्रीस फ्री कर चुकी हूँ, और ये है ब्लड सैंपल। तो अब हम बनाएंगे पेरिफेरल स्मियर। जब पूरी एंट्री हो जाती है रजिस्टर में रिक्विजिशन फॉर्म की पेशेंट की, तो उसके बाद हमने बनाना होता है स्मियर। तो अब हम बनाएंगे पेरिफेरल स्मियर। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले जो है वैक्यूटेनर अच्छे से शेक किया ताकि जो इसमें एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंटीकोगुलेंट का यूज़ होता है कि ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये जो पर्पल कलर वैक्यूटेनर है, इसमें होता है हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट। जो EDTA का यूज़ होता है वो होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो उनकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं लाता है, उनको एज इट इज़ फॉर्म में रखता है। तो फिर जब हमारा स्मियर बन जाता है और जब हम इसकी स्टेनिंग कर देते हैं, तो फिर जब इसको माइक्रोस्कोपिक के अंडर एग्जामिन करते हैं, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है ब्लड सेल्स की, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज़ फॉर्म में हमें दिखते हैं और ईजिली एग्जामिन हो जाते हैं। तो अब स्मियर्स बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो है मैं इनको एयर ड्राई कर दूंगी ताकि जब हम स्टेनिंग करें तो ये जो मैंने स्मियर बनाया है ब्लड स्मियर, तो ये वॉश ना हो जाए। तो पहले इनको एयर ड्राई करूंगी और उसके बाद फिर हम स्टेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमने स्मियर बनाया है ग्लास स्लाइड को हम स्टेनिंग रॉड्स पे रखेंगे, तो पहले तो उसको फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम जिम सस्टेन पोर करेंगे, एंड देन जब जिम सस्टेनिंग की टाइमिंग पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो हम स्लाइड्स को वॉश करेंगे एंड देन एयर ड्राई करेंगे, और फिर एट लास्ट वी विल सेंड इट फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, अब लंच ब्रेक हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अब बज रहे हैं दिन के 1:30, तो 1-2 बजे हमें लैब में वापस पहुँचना है। तो जल्दी 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 चलता है, खाना खाने भी थोड़े लेट हो गए हैं, जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, अब मैं कैंटीन पहुँच चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे खाना खाएंगे। तो मैं पहले ऑर्डर करूँगी खाना, क्योंकि आज बहुत मन है बाहर का खाने का। तो खुद भी बनाते हैं बट आज बाहर का खाना खाना है, तो इसलिए मैंने खाना ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है हमारा खाना जो ऑर्डर किया था, और दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो मैं इसको देखने वाला था, मैं तो लगी खाने वाली, बाकी जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, मैं तो खाती। तो फ्रेंड्स, अब मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ, मतलब लंच करके फ्री हो चुकी हूँ। अब मुझे जाना है वापस अपने लैब, मेटोलॉजी लेबोरेटरी, तो फिर से करना पड़ेगा काम। अब बज चुके हैं 2, तो मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। मैं थोड़ा लेट हो गई, बट लैब से शायद थोड़ा लेट निकली थी, वहाँ पे थोड़ा काम था, तो इसलिए खाना खाने में भी थोड़ी लेट हो गई। तो चलो अब लैब चलते हैं दोबारा। ये हमारी प्यारी सी सीनियर है मिक्स कलर, और ये अभी सीनियर बयान की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे नहीं आता बनाने, बस मेरी फ्रेंड करवाओ। लंच ब्रेक के बाद इतना काम नहीं था लैब में, तो फिर मेरी जूनियर्स ने कहा कि मैम हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताओ कि लैब में कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स होती है और उनको कैसे कैसे किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन करवाया सभी इंस्ट्रूमेंट्स से। उसके बाद फिर इनको मैंने बताया कि पेरिफेरल स्मियर कैसे कैसे बनाते हैं, तो फिर बाद में इन लोगों ने ये प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं शाम के 4, तो अब हमें हो चुकी है छुट्टी, तो अब हम जाएंगे वापस। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा, मैं जितना हो सके मैं उतना शूट कर पाई। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। बाय।